मीरा रोड में हुए सरस्वती हत्याकांड ने सभी को हिलाकर रख दिया है। हत्यारे मनोज ने ना ही सरस्वती की हत्या की, बल्कि अपना गुनाह छुपाने के लिए उसने सरस्वती के शव के टुकड़े कर उसे पहले तो कुकर में उबाला, फिर उसकी ग्रेवी मिक्सर में बनाई और आधी टॉयलेट में बहा दी और आधी कुत्तों को खिला दी। बहरहाल पुलिस ने मौके वारदात से ही आरोपी मनोज को गिरफ्तार कर लिया। जब मनोज से पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो मनोज ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। नयानगर पुलिस स्टेशन के जुरिडिक्शन में गीता खासदीप करके सोसाइटी है, वहाँ पे सातवें फ्लोर सातवें मंजिल से एक फ्लैट है, वहाँ से बदबू आने का इन्फॉर्मेशन लोकल पुलिस को मिला था। पुलिस स्टेशन के ऑफिसर्स और स्टाफ ने जाके वहाँ पे देखा, वहाँ से बदबू आने की जो इन्फॉर्मेशन थी वो कन्फर्म की। वहाँ पे लॉक तोड़ के उन्होंने जब एंट्री किया तो किचन में बहुत सारे यूटेंसिल और बकेट में वहाँ पे चॉप किए हुए बॉडी पार्ट्स मिले हैं। उसमें बाद में इन्वेस्टिगेशन में ऐसा रिवील हो चुका था कि एक कपल था, लिव इन रिलेशन में रह रहा था उधर, उनका आइडेंटिफिकेशन हो चुका है। अक्यूज्ड को भी अरेस्ट किया गया है। जो डेड बॉडी के पीसेस मिले हैं वो एनालिसिस के लिए हमने जेजू हॉस्पिटल में भेज दिया है। इस घटना के आधार पर जो इन्फॉर्मेशन मिला उस बेसिस पे हमने नयानगर पुलिस स्टेशन में आईपीसी सेक्शन 302-201 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। आगे का इन्वेस्टिगेशन सीनियर पीआई श्री वनकोटी कर रहे हैं। इस पूरे मामले की पुलिस आगे जांच में जुटी है। अभी तक के लिए इतना ही। ऐसे ही मुंबई टेलीविज़न की खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि मुंबई टेलीविज़न की खबरें आप तक पहले पहुंच सकें।